रंग बिरंगी लिपस्टिक की जादुई खेती। एक गांव में रुचि और ममता नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ विनीता के साथ रहती थी। उनके पिता सुरेश को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी विनीता अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वह दोनों बहनों से नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाने लगती है। रुचि बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन ममता को ज्यादा काम करने नहीं देती थी। रुचि घर का सारा काम अकेले किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन ममता उदास मन से अपनी बहन रुचि से बोलती है, दीदी गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा एडमिशन स्कूल में करा दोगी? मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता ही है हमारी सौतेली माँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। वो हम दोनों को खाने के लिए सही से दो वक्त की रोटी तो देती नहीं है, फिर वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ विनीता वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों बहनें यहाँ बैठकर खिचड़ी पका रही हो। रुचि, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे पैर की मालिश कर, सुबह से पैर में दर्द हो रहा है और एक तू है कि यहाँ बैठकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। माँ, मैं घर का काम करने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अभी आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद रुचि एक कटोरी में गर्मा गर्म तेल लेकर अपनी सौतेली माँ विनीता के कमरे में जाती है और विनीता के पैरों में मालिश करने लगती है। तभी रुचि हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ममता स्कूल जाना चाहती है माँ, प्लीज माँ आप ममता का एडमिशन करवा दो, उसका स्कूल जाने का बहुत मन है माँ। यह बात सुनते ही विनीता उस गर्म तेल की कटोरी रुचि की तरफ फेंकते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने, वो महारानी स्कूल जाना चाहती है, तेरा बाप मरने से पहले मेरे पास कोई खजाना छोड़कर नहीं गया था, भगवान का शुक्र मना कि तुम दोनों को दो वक्त की रोटी खाने को मिलती है, वैसे भी वो कौन सा पढ़ाई करके कलेक्टर बनेगी, अब जा निकल जा मेरे कमरे से और जाकर अपना काम कर। बेचारी रुचि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी छोटी बहन ममता रुचि के पास आती है और बोलती है, दीदी आप मत रो दीदी, मुझे माफ कर दो, अगर मैं आपसे स्कूल जाने की जिद नहीं करती तो माँ आपको नहीं डांटती, चुप हो जाओ दीदी, आपसे स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूँगी। यह कहते हुए ममता की आंखों में भी आंसू आ जाता है और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती है। एक दिन की बात है, विनीता रुचि और ममता को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुनना, आज मेरी बेटी हॉस्टल से घर आ रही है, मेरी बेटी के कमरे में सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए और उसकी पसंद का खाना भी बनकर तैयार हो जाना चाहिए, चलो अब जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ, मेरी बेटी के आने से पहले सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। बेचारी रुचि जल्दी जल्दी घर की सफाई करके किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद रोशनी भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। अपनी बेटी रोशनी को देखकर विनीता बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, आओ मेरी बेटी रोशनी, तुम्हारा स्वागत है, अरे कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माँ सुंदर तो मैं हूँ ही, आखिर बेटी किसकी हूँ। तभी रोशनी की नज़र रुचि और ममता पर पड़ती है और रोशनी अपनी माँ से बोलती है, माँ आपने इस दोनों फटीचर को अभी तक घर में रख रखा है, आपने इन दोनों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला, मैं इन दोनों को अपने घर में देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, माँ आप आज ही इन दोनों को घर से निकाल दो। विनीता अपनी बेटी रोशनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए विनीता ने अपनी बेटी के कहने पर रुचि और ममता दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दोनों बहनों ने विनीता के सामने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, माँ प्लीज हमें घर से मत निकालो, हमने तो कोई गलती भी नहीं किया है, माँ आपके सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन, हमें घर से मत निकालो माँ। हाँ माँ मुझे माफ कर दो,
वैसे भी इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? प्लीज माँ, हमें इस घर में रहने दो। दोनों बहनें फूट फूट कर रोती है, लेकिन विनीता का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता है और वह घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों बहनें अंधेरी रात में सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगती है। दोनों को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी। थक कर दोनों बहनें सड़क के किनारे ही सो जाती है। सुबह होते ही ममता रोते हुए अपनी बड़ी बहन रुचि से बोलती है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम खरीद कर खा ले, और माँ ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे दीदी? क्या हमें सारी जिंदगी सड़क पर ही बितानी पड़ेगी? बताओ ना दीदी। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कोई काम कर लूँगी जिससे हमें दो वक्त की सूखी रोटी खाने को तो मिल ही जाएगी। और रही बात रहने की, तो हम एक झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। चलो पहले हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जंगल से लकड़ियाँ लाकर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है। उसके बाद रुचि काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रुचि को एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। काम करके उसे जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से किसी तरह से उन दोनों बहनों का गुजारा चलने लगता है। एक दिन रुचि अपने मन में सोचती है, मेरी बहन स्कूल जाना चाहती है, अगर मैं 3-4 घरों में और काम पकड़ लूंगी तो मैं ज्यादा पैसे जोड़ पाऊंगी, फिर मैं अपनी बहन का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। ऐसा सोचकर रुचि कई लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। आखिर उसकी मेहनत रंग ले ही आती है और वो अपनी बहन के एडमिशन के लिए काफी सारे पैसे जोड़ लेती है। उस दिन दोनों बहनें बहुत ही खुश थी। वो अगले दिन अपनी बहन ममता का स्कूल में एडमिशन करवाने जाती। उस दिन दोनों बहनें आपस में बहुत सारी बात करने के बाद खाना खाकर सो जाती है। दोनों के सो जाने के बाद घर में चोर घुस आता है। रुचि जिस बक्से में अपनी बहन ममता के एडमिशन के लिए पैसे जमा करके रखी थी, चोर उस बक्से को ही उठाकर लेकर भाग जाता है। जब सुबह रुचि की आंख खुलती है, तब वो बक्सा को ना देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने एडमिशन के लिए जो पैसे जोड़ कर जमा किया था वो सब तो चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़ी थी ताकि मैं अपनी बहन का एडमिशन करा सकूं, लेकिन चोर सब चुरा कर ले गया। यह कहते हुए रुचि फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद रुचि जिस घर में काम करती थी, उस घर की मालकिन से कुछ पैसों की मदद मांगती है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रुचि निराश होकर अपने घर लौट ही रही थी, तभी जंगल में उसे एक घायल तोता दिखाई देता है। रुचि उस घायल तोते जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके घाव पर लगा देती है। इस तरह वह तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वह तोता अचानक से एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है और रुचि से बोलती है, रुचि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक लिपस्टिक है। यह लिपस्टिक कोई मामूली लिपस्टिक नहीं, बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम जिस जगह पे लगाओगी वहाँ पर रंग बिरंगे लिपस्टिक की खेती होने लगेगी और तुम उस रंग बिरंगे लिपस्टिक को बेचकर अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सकती हो। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिपस्टिक की खेती करके और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी छोटी बहन ममता का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। परी रुचि को लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। रुचि उस लिपस्टिक को लेकर एक खुले स्थान में जाती है और उस लिपस्टिक को जमीन पर लगा देती है। फिर कुछ ही देर में उस जगह पर ढेर सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक की खेती होने लगती है। यह देखकर रुचि बहुत ही खुश होती है और वह सारी लिपस्टिक तोड़कर अपने घर ले आती है और अपनी छोटी बहन ममता को सारी बातें बताती है। फिर अगले दिन रुचि सारी लिपस्टिक लेकर बाजार में बेचने जाती है।
इतने सारे रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर लिपस्टिक देखकर रुचि के पास बहुत सारे कस्टमर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी सारी लिपस्टिक बिक जाती है। इस तरह रुचि सारे लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। अब धीरे धीरे उस जादुई लिपस्टिक की मदद से रुचि बहुत जल्दी ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। रहने के लिए सुंदर सा घर, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, हर चीजों की सुविधा हो जाती है। रंग बिरंगी लिपस्टिक की मदद से रुचि अपनी लिपस्टिक की एक दुकान भी खोल लेती है और अपनी बहन ममता का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और अपनी छोटी बहन ममता से बोलती है, ममता अब तुम्हारा स्कूल जाने का सपना पूरा होने वाला है। कल से तुम स्कूल जाओगी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर। तुम कितनी प्यारी लगोगी मेरी प्यारी बहन। क्या सच में दीदी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ और परी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं के रंग बिरंगी लिपस्टिक की वजह से हम दोनों बहनें हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। फिर अगले दिन ममता खुशी खुशी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। रुचि हर रोज की तरह घर का सारा काम करके लिपस्टिक की दुकान पर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन लिपस्टिक खरीदने दुकान पर आती है। तभी वे दोनों रुचि को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रही है। आपको चौंकने की जरूरत नहीं है माँ, ये मेरी ही दुकान है और दुकान के सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, वह घर भी मेरा ही है। और हाँ एक बात और बता दूं, और मेरी बहन ममता इस शहर के सबसे हाईफाई स्कूल में पढ़ रही है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि घर से निकाल देने के बाद हम दोनों बहनें भीख मांग रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज भगवान की कृपा से हम दोनों बहनें बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। रुचि की बात सुनकर विनीता और रोशनी शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुचि अपनी बहन के साथ रंग बिरंगी लिपस्टिक की खेत की वजह से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। जादुई मिट्टी के घर का जादू। रौनकपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके दो बच्चे थे, भोला और मिष्टी। मंगू जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वहीं बिमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी एक बार की बात है, गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मंगू और उसकी पत्नी अपने जान से हाथ धो बैठती है और उनके जाने के बाद भोला और मिष्टी अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दीदी। इतना कहकर भोला रोने लगता है। उसी समय मिष्टी कहती है, भोला इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। उसके बाद मिष्टी बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, भोला हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं, इस तरह से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से मिष्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और भोला भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वे लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वह बर्तन कोई भी नहीं खरीदता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है। तभी एक दिन मिष्टी कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना, हम दोनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका, एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बर्तन, और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो ये तेरे सारे बर्तन उठा के तोड़ दूंगा। काका की ऐसी बातें सुनकर मिष्टी दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी भोला मिष्टी से कहता है, दीदी अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी। इतना कहकर जब ये लोग जंगल के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, उसी समय मिष्टी को किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। भोला, मुझे लगता है कोई दर्द से करा रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? उसके बाद मिष्टी उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी, अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो। लेकिन बच्चों, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ, हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचते हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो बेटे, जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस मेहनत को किसी को भी नजर ही नहीं आती, कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता दादी माँ। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उस वह बूढ़ी औरत मिष्टी के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरत की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद मिष्टी और भोला मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं, जिसमें उनके जरूरत की सारी चीजें होती है। और जैसे ही वह घर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी हूँ, और मैं तो बस तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम लोग पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वह जादूगर ने उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है। यह देखकर मिष्टी और भोला बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यह मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और यह कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है, और आज से यह घर तुम्हारा है, और इस घर में तुम्हारी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है, तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अब तुम लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी,
उसी समय वह जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मिष्टी और भोला उस घर में जाकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से वे दोनों अनाथ बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।